सरिस्का वन अभयारण्य में आज टाइगर ST6 की मौत की खबर आई है। टाइगर ST6 पिछले काफी समय से बीमार चल रहा था, जिसके चलते उसे एनक्लोजर में रखा गया था। आज उसकी मौत की खबर आई है। टाइगर का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। सरिस्का वन अभयारण्य में कुल 27 बाघ बाघिन मौजूद हैं, लेकिन पिछले करीब 3 माह से यहाँ टाइगर ST13 भी गायब है, जिसका कोई पता नहीं चल पाया। और अब टाइगर ST6 की मौत हो गई है। हालांकि ST6 की मौत बीमारी के चलते हुई, लेकिन सरिस्का के लिए यह बड़े नुकसान के रूप में देखी जा रही है। टाइगर ST6 उम्रदराज था, जिसकी उम्र करीब 16 साल बताई जा रही है। इसे 2010 में घना से अलवर शिफ्ट किया गया था। पिछले काफी दिनों से पूंछ के पास घाव के चलते इसे एनक्लोजर में रखा गया था। उसके खाने पीने की व्यवस्था भी एनक्लोजर में ही की जा रही थी। ST6 ने मंगलवार 11:50 पर अंतिम सांस ली। टाइगर की मौत के बाद वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और टाइगर को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। यहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया गया। DFO सुदर्शन शर्मा ने बताया कि 2020 में वह घायल हो गया था, तब से उसे एनक्लोजर में रखा गया था। उम्रदराज बाघ था, जिसकी उम्र करीब 16 साल थी। अमूमन बाघ की उम्र 14 से 15 साल होती है। आज उसकी मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया गया। आज ST6 का करीब 12:15 के आसपास इसकी मृत्यु हुई, और ये नवंबर 2020 से जब इसके पीठ पे बहुत बड़ा घाव हो गया था, तब से इसको एनक्लोजर में ट्रीटमेंट के लिए लिया था। उसके बाद इसकी 3-4 बार सर्जरी भी हो चुकी, लेकिन उसके बाद ये पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया था, और अब 3-4 दिन से इसकी तबीयत खराब थी और आज इसकी मृत्यु हुई। सर, ये लगभग इसकी उम्र 16 साल से अधिक, मतलब अब ये तो ST6 आप घटा लो उसमें से 27 में से ST6 26 रहे, तो उम्र ज़्यादा होने के कारण ट्रीटमेंट। उम्र देखिए, जनरली वाइल्ड लाइफ में नर की उम्र 12 से 14 साल के बीच रहती है। इसके घाव उस समय हो गया था जब ये 14 साल का था, तो उसको ट्रीटमेंट के बाद लाए थे, तो लेकिन रिकवरी उतनी अच्छी हुई नहीं थी जितनी हमने सोची थी, इसलिए छोड़ नहीं पाए थे। 1.5 साल के लंबे इलाज के बाद आज इसके ठीक से। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।